हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। हम इस वक्त आगरा एक्सप्रेस वे पे हैं, कन्नौज का दौरा है। अखिलेश जी, आपका कन्नौज का आज दौरा है, क्या कुछ चर्चा हुई है कन्नौज को लेकर और सबको प्रदेश को इंतजार इस बात का है प्रत्याशी कौन कन्नौज से होने वाला है? समाजवादी पार्टी कन्नौज से जीतेगी और कन्नौज के कार्यकर्ता नेताओं के बीच बैठ के बात तय करेंगे कि कौन प्रत्याशी होगा। प्रत्याशी सब जानते हैं कौन होगा। हमारा लक्ष्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें हारे और ये सीट वो है जो समाजवादियों के साथ रही, अच्छे बुरे समय पे यहाँ के लोगों ने साथ दिया और जो विकास दिखाई दे रहा है वो समाजवादियों का ही है। हमें उम्मीद है कि इस बार जनता ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी को जिताएगी। अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल को 15 तक बढ़ा दिया गया है, एक बार फिर से तिहाड़ जेल गया गए हैं। देखिए, बीजेपी के लोग जानबूझ करके जो असल मुद्दा है उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। मुद्दा यही है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जिस तरीके से चंदा लिया गया है और पूरा देश जान गया है कि किस तरीके से वसूला गया है, वो चंदा नहीं है, वसूला गया है, क्योंकि आपने किसी को लाभ पहुंचाया है या आपने डरा धमका करके इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स लिए हैं। तो अगर आप किसी को डरा धमका के एजेंसियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेंगे और वो इस्तेमाल आप चुनाव में करना चाहते हैं, तो जनता ये बात जान गई है। उस बात को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, हेमंत सोरेन हैं जो जेल भेज दिए गए हैं। अगर मुख्यमंत्री जेल जाएंगे और जो ये आचरण हुआ है जेल भेजने का मुख्यमंत्रियों को, पूरे दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की थू हुई है। दुनिया का लोकतंत्र और जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इन लोगों ने प्रश्न लगाया है कि भारत में भी ऐसा हो सकता है कि चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज दें। हमें खुशी है इस बात की कि आप पार्टी के नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। हमें उम्मीद है और लोगों को भी बहुत जल्दी न्यायालय से न्याय मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जो बाहर आ रहे थे, उन्होंने कहा पीएम मोदी जो कर रहे हैं वो देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करना, और हम सब लोगों ने एक ही बात सीखी है, जो गड्ढा खोदता है वो अंतोगता गड्ढे में गिरता है, जो दूसरों के लिए कांटे बोता है एक न एक दिन उसको अपने आप को उन कांटों पर चलना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, अगर इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग होगा तो कल यही इंस्टीट्यूशन आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगी। आप पीडीएम के साथ चुनाव में आगे उतर रहे हैं, पल्लवी पटेल पीडीएम को लेकर आ रही हैं। आप तो क्योंकि चैनल के हैं, अभी यूपी तक, आज तक और जाने कितने आपकी ब्रांड से मिलते जुलते चैनल बन गए हैं, तो जो ब्रांड लोकप्रिय हो जाता है, कोई एक नकली ब्रांड बनाया होगा। और असली लड़ाई पीडीएम की बड़ी है और बड़ी लड़ाई में कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर रास्ता बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ अखिलेश यादव और बात की है, हालांकि कन्नौज सीट पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव के दौरे काफी कुछ बता रहे हैं। तो वहीं पीडीएम को नकली और कॉपी पीडीए का करार दिया है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कन्नौज आज तक।